जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और हम हार्वेस्ट कर रहे हैं गिल की। इसको बाहर फेंकना है, ऐसे कैसे ले जाएगा ऐसे के। गिलकी में कुछ कीड़े लग गए हैं और जब हम गमले में गिलकी लगाते हैं ना तो ज़्यादा गिलकी लगती भी नहीं है और कहीं कहीं इनमें बीमारियां भी लग जाती है। और जो ज़मीन पे लगाते हैं उसकी बात ही अलग है। तो अभी तो हमारे यहाँ ज़मीन वाली जगह ख़त्म हो गई, पहले थी बगल में, तो हमने एक बोरी होन में ही लगाई है। और देखिए, बस 3 गिलकी हार्वेस्ट हुई है आज, ज़्यादा नहीं और बहुत कम लगी है इस बार। 2 पेड़ है लेकिन उसमें बहुत कम लगी है। 8 दिन में 15 दिन में 2 या 3 बस इतनी ही गिलकियाँ निकलती है। और थोड़े बहुत तोड़ लिए टमाटर चटनी के लिए। तो इस बार टमाटर भी कम है लेकिन लगे हैं। और ये है सहजन का पौधा या सूरजन का पौधा, तो बस मैं इसकी भी कुछ पत्तियाँ तोड़ लूँगी। तो ये है आज की हार्वेस्टिंग। जय श्री कृष्णा। और आज हम लोग जा रहे हैं, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं सीहोर, मोती जीरा महाराज है वहाँ पे, और वहाँ पे दुकाने के लिए। ये जय श्री कृष्णा कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और इधर तो मेरी बाइक को ले जा रहे हैं हम लोग। बाइक की तबीयत खराब थी, उसको टाइफाइड वगैरह निकल गया था, तो उसको ले जा रहे हैं। बैठे और हम गाड़ी का रास्ता देख रहे हैं और ये धूप में बैठे हैं थोड़ी देर। ये मेरी बाई है और बाइक को ले जाएंगे। सब तैयार होके बैठे हो, बहुत मुश्किल से वो अच्छी हुई है। सुबह सुबह क्या मेरे गेट की यहाँ धूप आ जाती है, तो बस बाई भैया जी थोड़ा सा हम धूप में बिठाने लग गए हैं। अभी उठते भी नहीं बन रहा था बाई से। और आज मैंने ये सूट पहना है। और बस गाड़ी आ गई थी तो हम निकल लिए हैं सीहोर के लिए। और बाई को अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो बस फिर बाई को मैंने थोड़ी देर बाद लेटा दिया था। मैं ऐसे ही कर रही थी, लेटा रही थी फिर बिठा रही थी। और बाई को पर वहाँ दुकाना ज़रूरी था क्योंकि वो वहीं से अच्छी हुई है। हम लोगों ने वहाँ बोल के आए थे और इलाज भी खूब करवाया है। ऐसा नहीं कि बस देवी देवता के भरोसे, लेकिन इलाज भी करवाया, पर वो अच्छी हो गई है। तो अब हम वहाँ मोतीजीरा महाराज के यहाँ जो सीहोर है वहाँ दुकान है। तो देखिए, ये आ गया है महाराज, मोती महाराज का मंदिर है। और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और वास्तव में यहाँ इतना अच्छा, इतना सुकून मिल रहा था ना कि बस पूछो मत। और उसके बाद में हम बाई ने अच्छे से दर्शन करवाए बाई को, और बाई के हाथ से लड्डू वगैरह भी चढ़वाए जो भी चढ़वाना था। देखिए, बाई से अभी चलते भी नहीं बनता है, इस तरह से बाई बेचारी चलने लग गई है। और यहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, तो मैंने वो भीड़ वाला एरिया कवर नहीं किया क्योंकि जो ये मंदिर है ना इसके पीछे बहुत भीड़ थी। और ये है बाहर का व्यू, जैसे हम गेट के अंदर घुसते हैं ना तो बाहर भी बहुत भीड़ थी। और मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे, और जब सीहोर आए और हम गणेश जी के दर्शन ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम आ गए थे फिर गणेश मंदिर। और बाई से क्या बैठते नहीं बन रहा था, मतलब बैठते नहीं, सॉरी, चलते नहीं बन रहा था, तो हमने बाई को गाड़ी में लेटा दिया था। बस हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए। और ये जो गणेश मंदिर है ये भी बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। और अभी तो देखिए कितना बढ़िया डेकोरेशन किया है, बहुत ही अच्छे से सजाया है इसको, क्योंकि अभी चल रहे हैं गणेश जी के दिन। तो आज है अनंत चौदस, मैं बताना भूल गई, ये अनंत चौदस के दिन का वीडियो है। हम अनंत चौदस के दिन गए थे सीहोर और बस अच्छे से हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए। और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सुबह सुबह का टाइम था तो भीड़ नहीं थी। और देखिए, ये है गणेश जी का मंदिर, काफ़ी सजा रखा था, बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर रखा था मंदिर का। और उसके बाहर भी बहुत बड़ा और मंदिर है, बड़ा परिसर है, तो जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। ये पीछे का व्यू है, तो यहाँ 2-3 मंदिर है, वहाँ भी हमने जल्दी जल्दी दर्शन किए क्योंकि हम जो बाई है बार बार फ़ोन आ रहा था, जो हम काना गया था हमारे साथ, मेरी भूहा का लड़का है वो गया था, तो बाई को उल्टियाँ होने लगी थी, तो बोल रहा था माया जी जी जल्दी आ जाओ। तो ये देखिए, ये है मंदिर, यहाँ आसपास के परिसर में ही ये 2-3 मंदिर है, तो
तो मैंने बस थोड़ा सा शूट किया, ज़्यादा नहीं किया। और एक मंदिर ये है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद हम आ गए थे बाहर, तो देखिए बाहर इस तरह से दुकानें लगी हुई है, जो हर मंदिर के आसपास दुकानें रहती है। और मुझे इन दुकानों पे सामान देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज बिल्कुल टाइम नहीं था तो रुकी नहीं बस ऐसे ही, पर बहुत अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे छोटी दुकानों पे नहीं जाते हैं इस जो ऐसे मंदिर के आसपास रहती, पर मैं जाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और बस हम निकल लिए थे अपने घर के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे